हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ई बेस की बांसुरी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो होल्स हैं वो कस्टमाइज्ड किए गए हैं और थ्रेड भी कस्टमाइज्ड ही हैं, तो आप भी अपने हिसाब से फ्लूट बनवा सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा इसके कस्टमाइजेशन के बारे में आपको बता दूं। ये ब्लोइंग होल है वो फर्स्ट होल से देख सकते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ बनाया गया है, ताकि ऐसे हाथ नहीं करना पड़े, ऐसे नीचे से ही, मतलब जैसे ऐसे बजाते हैं तो ऐसे हाथ नहीं करना पड़े, ऐसे हम लोग इजिली बजा पाएं। तो जैसे और यहाँ पे थर्ड होल देख सकते हैं थोड़ा बाहर की तरफ बनाया गया है, ये देख सकते हैं, ताकि ग्रिपिंग में आसानी हो। ये देख सकते हैं थर्ड होल थोड़ा बाहर की तरफ बनाया गया है, और सेकंड होल भी थोड़ा बाहर की तरफ, थोड़ा सा बाहर की तरफ बनाया गया है। और यहाँ पे जो सिक्स होल है वो थोड़ा अंदर की तरफ बनाया गया है, ये देख सकते हैं, ताकि ग्रिपिंग में आसानी हो। जिनकी उंगली छोटी होती है नहीं पहुंचती है, ऐसे करना पड़ेगा। अगर यहाँ होल्स होता तो ऐसे करना पड़ता, ऐसे तो नहीं किसी किसी से बच पाती है। एक कस्टमर से नहीं बच पा रही थी, एकम नाम उनका, तो उनके लिए मैंने ये बनाया हुआ है। तो उनके लिए ये बहुत ईजिली होगा बजाने के लिए, ये देख सकते हैं कस्टमाइजेशन, तो ये बहुत इजीली लोग बजा पाते हैं। 20 संख की बांसुरी भी मैंने पूरी जो फुल ब्लैक वाली बनाई थी वो भी ऐसे ही बनाई थी, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो बहुत इजीली वेल प्लेड हो जाती है ये बांसुरी ऐसे कस्टमाइजेशन करने के बाद। तो अभी मुझसे कांटेक्ट करके किसी भी स्केल का बांसुरी ले सकते हैं, कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। अगर आपकी उंगली छोटी है या फिर बजाने में प्रॉब्लम आती है, या फिर थ्रेड कस्टमाइजेशन भी करके मैं आपको देता हूं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके बांसुरी ले सकते हैं। बाकी आप देखिए इसकी थ्रेड पैटर्न कितनी बेस्ट क्वालिटी की थ्रेड पैटर्न मैंने इसमें लगाई हुई है। चलिए इस फ्लूट को मैं बजा के भी दिखा देता हूं कि ट्यून्ड है या नहीं। जैसा कि देखा आपने, जिसके थ्रेडिंग पैटर्न के साथ साथ इसका जो होल्स कस्टमाइजेशन है वो भी बहुत अच्छे से इसको मैं वेल प्लेट कर पा रहा हूँ। मेरी उंगली भी उतनी बड़ी नहीं है तो इसलिए इतना अच्छे से वेल प्लेट हो जाता है। तो अभी मुझसे कांटेक्ट करके फ्लूट ले सकते हैं। तो कांटेक्ट कीजिए फ्लूट बैंक के लिए, तब तक चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।